अब तक जो हम लोग पढ़े थे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, मतलब सीबीएसई में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड, उसको हम लोग आज सॉल्व करने का प्रयास करें। देखते हैं क्वेश्चन। वैसे तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 4x माइनस 6 स्क्वायर प्लस 2 इफ टू ऑफ इट जीरोस आर रूट 2 एंड माइनस रूट 2। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में, ये आपका है सीबीएसई 2008 का क्वेश्चन। तो यहां देखिए क्या कह रहा है कि आपको निकालना है ऑल जीरोस, ठीक है, किसका, तो इस पॉलिनोमियल का। तो यहां देखें हम लोग, तो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, तो बताइए गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, तो यहां देखिए ध्यान से है 2x क्यूब माइनस 4x माइनस 6 स्क्वायर प्लस 2। मैंने आपको बताया है कि अगर पॉलिनोमियल हम लिखते हैं तो इसका ऑर्डर क्या है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए डिग्री, मतलब पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। यहां को पहले 4x लिख दिया है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको पहले सजा दीजिए एक करेक्ट ऑर्डर में। तो करेक्ट ऑर्डर में आपको क्या मिलेगा, तो ये मिल गया। अब बताइए जीरोस क्या क्या दिया हुआ है इसका, यानी कि अल्फा का वैल्यू है रूट टू, बीटा का वैल्यू है माइनस रूट टू। बताइए यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितना जीरोस, तो 3 जीरोस होता है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा हमको पता है, बीटा पता है, निकालना क्या है, तो गामा पता करना है। तो बताइए यहां पर रिलेशन अगर हम बात करें तो क्या रिलेशन है तीनों जीरोस के बीच, तो पहला रिलेशन मेरा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो वही हम यूज करते हैं यहां पर। तो लिखेंगे वी हैव अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू रूट टू, बीटा का वैल्यू माइनस रूट टू, प्लस गामा इक्वल टू बी। बताइए क्या है यहां पर, ये ए होता है यहां वाला बी, यानी कि माइनस माइनस वन, और ए का वैल्यू है आपको टू, तो रूट टू माइनस रूट टू कट गया, यानी गामा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस वन बाई टू, यानी तीसरा जीरोस क्या हो गया आपको, तो वन बाई टू, यानी देयर फॉर ऑल जीरोस आर, ऑल जीरोस आर में क्या होगा, तो पहला रूट टू, दूसरा माइनस रूट टू, और तीसरा आपका वन बाई टू। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो ये आपको यहां पर मिला है ये जीरोस, ठीक है, तीसरा जीरोस क्या हो गया आपको वन बाई टू। तो ये हो गया आपका मेथड वन, ठीक है। दूसरा मेथड जो आपके बुक में यूज किया गया है, ये देखिए ये मेथड आपको बहुत आसान है, ठीक है ना, आसानी से हम तीसरा जीरोस निकाल लिए। अब हम लोग दूसरा मेथड की ओर चलते हैं जो आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। तो यहां से आप क्या कीजिएगा, तो अल्फा और बीटा आपको मिला हुआ है, क्लियर है, हमको गामा पता करना है, तो क्या करते हैं हम इन दोनों जीरोस से कैसा इक्वेशन तैयार होगा, कैसा पॉलिनोमियल तैयार होगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार होगा। तो हम लिखते हैं, आप मान लीजिए इसको जीएक्स, जीएक्स इज इक्वल टू क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, तो वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू माइनस रूट टू एक्स रूट टू इंटू माइनस रूट टू, ये कट गया आपको, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये जीरो, रूट टू इंटू माइनस रूट टू माइनस टू, तो ये हो गया आपको जी एक्स। हमको निकालना है तीसरा पॉलिनोमियल, तो क्या करेंगे हम इससे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ऑन डिवाइडिंग डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, देखिए आप लोग, तो ये है आपको टू एक्स क्यूब, ध्यान दीजिएगा इसको यूज कीजिएगा क्योंकि इसमें ऑर्डर करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, वो आपको खुद से करना होगा। तो कितने बार में लगेगा, तो 2x बार में, ये हो गया आपको 2x क्यूब माइनस 4x, ये यहां पर आ गया प्लस ये माइनस, यहां माइनस एक्स स्क्वायर, यहां प्लस 2, माइनस 1 बार में लगाइए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस ये माइनस ये प्लस कट गया, तो यानी ये हो गया आपको 2x माइनस 1। अब इसको qx को हम इक्वेट करेंगे किससे, जीरो से, क्योंकि तीसरा जीरो पता करना है, ये दो आपको पहला जीरो, पहला दो जीरो दे दिया, इससे आपको तीसरा निकलेगा, मतलब 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 बाय 2, यानी जीरोस क्या क्या होंगे, रूट टू माइनस रूट टू और 1 बाय 2।
तो इस तरीके से भी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपको तरीका मन पसंद पड़े, जो आपको इजी वे में लगे, उसको आप अप्लाई कीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ 3x टू द पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर रूट 5 बाई 3 एंड माइनस रूट 5 बाई 3। यह आपको क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में, ठीक है। यहां समझिए आप लोग क्या कह रहा है कि आपको जीरोस निकालना है किसका, तो 3x टू द पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30 का। जीरोस क्या क्या है, पहला है रूट 5 बाई 3 और दूसरा है आपको माइनस रूट 5 बाई 3। तो लिखेंगे क्या हम, गिवन पॉलिनोमियल क्या हो गया, गिवन पॉलिनोमियल हो गया आपका 3x टू द पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30। बताइए इसमें कैसा पॉलिनोमियल है, तो डिग्री 4 है, मतलब जीरोस कितने निकलेंगे, 4। आपको दिया गया कितना जीरोस है, 2 जीरोस दिया हुआ, यानी और कितने निकलेंगे, तो 2 निकलेंगे। बताइए ये दोनों जीरोस से कैसा पॉलिनोमियल हम फॉर्म कराएंगे, तो 2 जीरोस है तो क्वाड्रेटिक। तो लिखते हैं हम लोग यहां पर कि लेट gx इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर रूट 5 बाय 3 माइनस रूट 5 बाय 3 एक्स प्लस रूट 5 बाय 3 इंटू माइनस रूट 5 बाय 3। ये तो आपको जीरो बन गया, यानी कितना हो जाएगा रूट 5 इंटू रूट 5 5 और यहाँ 3। ध्यान दीजिएगा जब भी इस तरह का रहता है फ्रैक्शनल में तो हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं ओरिजिनल फॉर्म में। तो ओरिजिनल फॉर्म में क्या हो जाएगा आपको 3x स्क्वायर माइनस 5, यानी कि gx जो हम लेंगे कितना, वो लेंगे आपको केवल इतना ही पार्ट, इसको नहीं लिया साहब, मैंने बताया हुआ है पहले के वीडियोज में। तो ये हो गया आपको gx, आपको बाकी और दो जीरो चाहिए, लिखेंगे हम ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड करने पर क्या मिलेगा आपको, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 है, किसको डिवाइड करना है, तो 3x टू द पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30। यहाँ 3x स्क्वायर और यहाँ 3x टू द पावर 4 है, कितने बार में लगेगा, x स्क्वायर बार में, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अब बताइए x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर 3x टू द पावर 4 5 इंटू एक्स स्क्वायर तो माइनस 5x स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस ये कट गया, माइनस 15x क्यूब 13 प्लस 5 तो 18x स्क्वायर, कितने बार में लगाएंगे हम लोग, तो 5x बार में। ये हो गया आपको माइनस 15x क्यूब माइनस 5x इंटू 5, ये हो जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस 25x, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ 18x स्क्वायर, यहाँ देखिए 25 माइनस 25 कट गया, बच गया आपको इतना 3x स्क्वायर है, यहाँ 18 है, तो 6 बार में 18x स्क्वायर माइनस 30 प्लस ये माइनस कट गया, ये हो गया आपका आंसर 0। अब आपको यहाँ 2 जीरोस तो पता है, बाकी 2 जीरोस कैसे निकलेंगे, ये मेरा क्या आ गया है qx, qx इज इक्वल टू कितना मिला है हमको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए, x x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2, यानी कि x माइनस 2 और x माइनस 3, इसको सॉल्व कीजिए तो x इज इक्वल टू 2 और इसको सॉल्व कीजिए तो x इज इक्वल टू 3, यानी कि अगर हम बात करें ऑल जीरोस का, देयरफॉर ऑल जीरोस आर क्या होगा आपको, पहला आपको रूट 5 बाई 3, दूसरा माइनस रूट 5 बाई 3, तीसरा आपको 2, चौथा 3, तो ये हो गया आपको चारों जीरोस।
ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको चार मार्क्स में आते हैं, जिसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए क्या करना है। एक बार फिर से बता दें हम, तो पहला आपको जो पॉलिनोमियल है उसका करेक्ट फॉर्म लिख दीजिए, मतलब इन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। उसके बाद जो आपको दिया गया है रूट्स जीरोज, उससे आप एक पॉलिनोमियल तैयार कीजिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो जीरोज था, तो उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उससे हम उसको डिवाइड करेंगे, जो कोशेंट आएगा उसको फैक्टराइज कीजिए, वहां से एक्स का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, हो गया आपका जीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उसी तरीके पर, यहाँ आपको निकालना है ऑल जीरोज, यहाँ दिया गया है टू अदर जीरोज आर थ्री प्लस माइनस रूट टू, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब क्या है, एक मेरा जीरो क्या होगा, तो पहला होगा थ्री प्लस रूट टू, दूसरा होगा थ्री माइनस रूट टू। सोल्यूशन करते हैं हम लोग, तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है आपका, तो वो आपका है टू एक्स का पावर फोर माइनस इलेवन एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स माइनस सेवन, ये गिवन पॉलिनोमियल है। यहां फिर आपको दो जीरो दिया हुआ है, यानी कैसा पॉलिनोमियल बनेगा इससे, तो क्वाड्रेटिक बनाइए आप लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस रूट टू थ्री प्लस रूट टू एक्स, और यहां होगा थ्री माइनस रूट टू थ्री प्लस रूट टू, इससे ये कट गया, एक्स स्क्वायर थ्री प्लस थ्री सिक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स। यहां बताइए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन माइनस टू सेवन, तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जी एक्स। बाकी जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू टू एक्स टू द पावर फोर माइनस इलेवन एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स माइनस सेवन। यहाँ कितना है, टू एक्स का पावर फोर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यानी कितने बार में लगेगा, टू एक्स स्क्वायर बार में, तो यहाँ होगा टू एक्स का पावर फोर, यहाँ गुना कीजिए तो माइनस ट्वेल्व एक्स क्यूब प्लस फोर्टीन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, एक कट गया, ट्वेल्व एक्स क्यूब माइनस इलेवन एक्स क्यूब होगा आपका एक्स क्यूब, सेवन माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर, और यहां से आपको थर्टीन एक्स उतर गया। अब आप एक्स बार में इसको लगाइए, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू सेवन सेवन एक्स माइनस प्लस माइनस कट गया, यहां हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन माइनस वन बार में, माइनस माइनस प्लस माइनस वन इंटू सेवन माइनस सेवन प्लस माइनस प्लस कट गया, ठीक है, ये हो गया आपको। अब क्या करना है हमको, बाकी जीरो निकालना है, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, यानी कि जो क्यू एक्स मेरा आया है, क्यू एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, इसको आप फैक्टराइज कीजिए, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस वन, टू एक्स कॉमन एक्स प्लस वन माइनस वन कॉमन एक्स प्लस वन, दोनों में एक्स प्लस वन टू एक्स माइनस वन, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, यानी कि हम क्या लिखेंगे, देयर फॉर ऑल जीरोज आर, पहला जीरो कौन था, तो थ्री प्लस रूट टू, दूसरा जीरो थ्री माइनस रूट टू, तीसरा मेरा आया है माइनस वन, चौथा आया है वन बाई टू, तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अब आप लोग क्या काम करना है, कल मैं आपको कुछ और इस पर क्वेश्चन बनवाऊंगा जो सीबीएसई में आस्क्ड है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है। अब आप लोग जो सेकंड एक्सरसाइज है, मतलब क्यूबिक पॉलीनोमियल पर बेस्ड, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और जहां डाउट हो आपको वो आप पूछ लीजिएगा।